Assalamu alaikum dear students. Today our topic of discussion is adjective phrase. Basically we will attempt some exercises on adjective phrase. And jaise ki maine previously part 2 precis writing ke video mein aapko bataya tha ki hum jo phrases ko aapko practice karni hai. अगर प्रेसी राइटिंग सीखनी है आपको थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी है, उसके अलावा आपको कन्वर्जन भी सीखना है फ्रेजेस से. आप कन्वर्जन करना सीखने सिंपल वर्ड्स में, और जो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को भी सिंपल वर्ड्स में कन्वर्जन करना सीखें. ओके, एडवर्ब फ्रेज को एडवर्ब में कन्वर्ट करना सीखने, एडजेक्टिव फ्रेज को एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना सीखें, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ सेंटेंसेस. ये आपको बहुत हेल्प करेंगे सेंटेंसेस के नंबर को रिड्यूस करने में. ओके, सो आज का वीडियो जो है हमारा वही एडजेक्टिव फ्रेज पे है. तो ही हैड अ पेपर विद नो राइटिंग ऑन इट. ओके, ही हैज़ अ पेपर विद नो राइटिंग ऑन इट. विद नो राइटिंग इट ऑन इट इट्स अ एडजेक्टिव फ्रेज विद नो राइटिंग ऑन इट. ओके, तो इसको हम चेंज करेंगे सिंपल वर्ड्स में, तो हमारी प्रेसी बन जाएगी रिड्यूस करने नंबर ऑफ सेंटेंसेस को. नंबर ऑफ वर्ड्स को हमें रिड्यूस या नंबर ऑफ वर्ड्स को हमें रिड्यूस करना है. तो आप पेन और अपना बुक ले लें और पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू प्रैक्टिस एंड राइट डाउन व्हाट विल यू द मेक हाउ वुड यू मेक मेक द सेंटेंसेस मेक दिस सेंटेंस शॉर्ट. ओके, सो कुछ वर्ड्स रिड्यूस करें कैसे बनाएंगे. पॉज द वीडियो एंड सी. If you don't do it, doesn't matter. Slowly and gradually you can attempt. Aisa nahi hai ki aap attempt nahi kar sakte. It's your first attempt. You will attempt, inshallah. Soon you will learn the art of precis writing. Okay, keep in touch. Okay, and keep on practicing. Practice se har cheez ho jati hai. Okay, chale dekhte hain iski precis kya hogi. Okay, he has a blank paper. Blank paper ka matlab hai with no writing on it. ओके, ब्लैंक पेपर का मतलब विद नो राइटिंग ऑन इट. तो हमने इसको सिंपल वर्ड्स में चेंज कर दिया, ही इज़ अ ब्लैंक पेपर. सेकेंड सेंटेंस पे आते हैं, दे वॉक्ड ऑन अ पाथ कवर्ड विद ग्रास. दे वॉक्ड ऑन अ पाथ कवर्ड विद ग्रास. ओके, ऑन अ पाथ कवर्ड विद ग्रास, तो ये जो है हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है. ऑन अ पाथ पाथ कवर्ड विद ग्रास. दे वॉक्ड ऑन अ पाथ कवर्ड विद ग्रास. कवर्ड विद ग्रास को हम कैसे चेंज करेंगे. ओके, सोचें सोचें फिर अटैम्प्ट करें. कैसे चेंज करेंगे, एक एडजेक्टिव में बनाना है इसको. एडजेक्टिव फॉलोज द नाउन, नाउन एंड प्रोनाउन. कैसे बनाएंगे, क्या हम इसको बना लिया आपने. देखें, ट्राई करें, अभी हम मूव करेंगे. देखें, दे वॉक्ड ऑन द ग्रेसी पाथ. ग्रासी पाथ, ग्रासी पाथ मीन्स कवर्ड पाथ कवर्ड विद ग्रास. ग्रासी पाथ, तो ग्रासी पाथ जो है, ग्रासी पाथ हमारा एडजेक्टिव हो गया. हमने एडजेक्टिव फ्रेज को कन्वर्ट किया एडजेक्टिव सिंपल एडजेक्टिव में. ओके, थ्री सेंटेंस पे जाते हैं हम, थ्री फ्रेज पे जाते हैं, सॉरी. वी मेट अ टीचर विद अ ग्रेट विद ग्रेट नॉलेज. वी मेट अ टीचर विद ग्रेट नॉलेज. तो आप इसको शॉर्ट कैसे करेंगे, कैसे इसकी प्रेसी बनाएंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स कैसे रिड्यूस करेंगे. सोचें, आप पेपर पे लिखें, बुक पे लिखें, आप पेन उठाएं, कैसे करेंगे. चलें हम देखते हैं अब इसकी प्रेसी कैसी होगी, शॉर्ट नंबर ऑफ सेंटेंसेस शॉर्ट कैसे करेंगे. चले, वी आर अटेम्प्टिंग दिस वन. ओके, सी, वी मेट ए वेल वर्स टीचर. वी मेट ए वेल वर्स टीचर. वेल वर्स का मतलब है वो टीचर विद ग्रेट नॉलेज, वो टीचर जिसको बहुत नॉलेज हो. टीचर विद ग्रेट नॉलेज, ये फ्रेज था हमारा टीचर विद ग्रेट नॉलेज. इसको हमने कन्वर्ट कर दिया ए वेल वर्स टीचर में. ओके, ए वेल वर्स टीचर में, एक एडजेक्टिव में. वेल वर्स हमारा एडजेक्टिव हो गया, तो हमने एडजेक्टिव फ्रेज को कन्वर्ट किया एडजेक्टिव, सिर्फ एडजेक्टिव में. तो यही मैंने कह रहा था कि आपको सीखना है एडजेक्टिव फ्रेज को कैसे कन्वर्ट करना चाहिए एडजेक्टिव में, और एडवर्ब फ्रेज को कैसे कन्वर्ट करना चाहिए एडवर्ब में. तो ये आपको नंबर ऑफ सेंटेंस रिड्यूस करने में हेल्प करेंगी. ये मस्त सीखना है आपको, ये स्किल सीखनी है आपको. ओके, सो नंबर फोर जो है, पीपल डू नॉट वॉन्ट अ सिस्टम फुल ऑफ फॉल्ट. ओके, पीपल डू नॉट वॉन्ट ए सिस्टम फुल ऑफ फॉल्ट. ये हमारा जो है वो फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है. इसको हम कैसे कन्वर्ट करें एडजेक्टिव में. ओके, तो वही हमें कन्वर्जन करनी है. अगर नहीं तो हमारा सेंटेंस नंबर ऑफ सेंटेंस वर्ड्स रिड्यूस हो जाएंगे और हमारी प्रेसी बन जाएगी, और कंसाइजनेस भी आ जाएगी प्रेसी राइटिंग में. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्रेसी राइटिंग. चले देखते हैं इसकी कैसे होगी. ओके, पीपल डू नॉट वॉन्ट अ डिफेक्टिव सिस्टम.
अब डिफेक्टिव जो है वो हमारा एडजेक्टिव है, फॉलोज द नाउन, सिस्टम को फॉलो कर रहा है, तो डिफेक्टिव हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो सारे वर्ड को हमने अ सिस्टम फुल ऑफ फॉल्ट्स, अ सिस्टम फुल ऑफ फॉल्ट्स को हमने चेंज कर दिया। देखें पांच वर्ड्स हैं, सिस्टम फुल ऑफ फॉल्ट्स, ये पांच वर्ड्स को हमने एक वर्ड्स में चेंज किया, दो वर्ड्स में चेंज कर दिया, ए डिफेक्टिव सिस्टम, डिफेक्टिव सिस्टम में चेंज कर दिया। तो हमने चेंज किया एडजेक्टिव फ्रेज को एडजेक्टिव में। ओके, यही आर्ट आपको भी सीखना है, इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे, डजेंट मैटर, यू विल अटेम्प्ट इंशाल्लाह सीएसएस एंड प्रेस पीसीएस प्रेसी एज वेल। ओके, जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। ओके, वी आर मूविंग टूवर्ड्स द फिफ्थ सेंटेंसेस, ऑफिसर्स इन्वॉल्व इन करप्शन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर बैकवर्डनेस। ओके, ऑफिसर्स इन्वॉल्व इन करप्शन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर बैकवर्डनेस। ओके, तो अब ये हमारा फ्रेज है। ओके, तो आर रेस्पॉन्सिबल फॉर बैकवर्डनेस, तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑफिसर्स इन्वॉल्व इन करप्शन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर बैकवर्डनेस, इसको हम कन्वर्ट करेंगे सिंपल एडजेक्टिव्स में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइए देखते हैं। करप्ट ऑफिसर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर बैकवर्डनेस, हमने अब कैसे किया, ऑफिसर्स इन्वॉल्व इन करप्शन, चारों वर्ड्स को हम दो वर्ड्स में चेंज कर दिए, करप्ट ऑफिसर्स में चेंज कर दिया, ऑफिसर्स इन्वॉल्व इन करप्शन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर बैकवर्डनेस, करप्ट ऑफिसर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर बैकवर्डनेस, अभी हमने इसको चेंज कर दिया सिंपल एडजेक्टिव में, करप्ट ऑफिसर ये हमारा एडजेक्टिव, करप्ट हमारा एडजेक्टिव हो गया यहाँ पे। दिस आर्ट यू नीड टू लर्न। ओके, सो वी विल ऑल्सो मेक अनदर वीडियो ऑन प्रेसी राइटिंग बाय डिस्कसिंग द एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज, प्रेसी, प्रेसी ऑफ एडवर्ब फ्रेज। ओके, उसके बाद हम सीखेंगे सेंटेंस प्रेसी बनाना, फ्रेज प्रेसी बनाना, सेंटेंस प्रेसी बनाना, फिर सीखेंगे हम क्लास प्रेसी बनाना। ओके, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पहले सेंटेंस सेंटेंस के सीखना है, फ्रेज प्रेसी सीखनी है आपको, फिर आपको आपको सेंटेंस प्रेसी सीखनी ही है, फिर आपको जो है वो क्लास प्रेसी सीखनी है, उसके बाद आप हम लॉन्गर पैसेजेस पे आएंगे, सिंपल पैसेजेस, फिर मीडियम पैसेजेस, फिर लॉन्गर पैसेजेस, जैसे आपको आगे चल के प्रेसी राइटिंग में ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े। ओके, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, एज आई कैन मेक अदर वीडियोज ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, एज आई कैन इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स टू एंड स्पीकिंग स्किल्स। ओके, होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।